तो आज से हम लोग अपने चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्मार्टफोन रिवाइंड। तो इसमें मिलेगा आपको क्या, इसमें आपको देखने को मिलेगा पिछले मंथ के कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। हो सकता है आप बहुत सारे फोन्स को मिस कर दिए हों, तो इस वीडियो को अगर आप टिल द एंड देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में पिछले मंथ में कौन कौन से कमाल के फ़ोन लॉन्च हुए हैं। ही व्यूअर्स, तो की हाल चल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले मंथ के कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप हो सकता है मिस कर दिए हों, लेकिन अगर इस वीडियो को टिल द एंड देखते हैं तो आपको सब पता चल ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लाइक रहते 100 लाइक्स का, प्लीज़ लाइक रेट कंप्लीट कर देना और ऐसे कमाल की वीडियोस रोजाना देखने जाते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो चलो फिर शुरू करें। तो पिछले मंथ इंडिया में रियलमी का टोटल दो नया स्मार्टफोन था, जो है रियलमी का नार्जो 10 और 10A। कमाल का फ़ोन था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमियां भी थी इस फ़ोन में। बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, तो रियलमी नार्जो 10 आपको 12,000 में लॉन्च हुआ था और रियलमी का नार्जो 10A आपको 8,499 में लॉन्च हुआ था, जो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। दोनों फ़ोन बहुत ही अच्छा है, मतलब टोटल स्पेसिफिकेशन सेम है, बस फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, प्रोसेसर और कैमरा के अंदर, बाकी सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता था। रियलमी का नार्जो 10A में आपको 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज देखने मिलता था। हीलियो का G70 वाला प्रोसेसर, जो बहुत ही अच्छी बात थी। 6.5 इंचेस का HD+ वाला 720p डिस्प्ले, ठीक है, इस प्राइसिंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें रियलमी के नार्जो 10 में, तो 6.5 इंचेस का सेम डिस्प्ले HD+ वाला, मतलब 12,000 में HD+ वाला डिस्प्ले कौन लेता है यार। साथ में क्वाड कैमरा था, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का था, जो था सैमसंग का सेंसर, मतलब इतना कुछ खास कैमरा भी नहीं था। 5000mAh का मैसिव बैटरी इसमें भी था और रियलमी के दोनों फोन में 5000mAh का बैटरी था। बात करते हैं नार्जो 10 के अंदर आपको G80 का प्रोसेसर था, जो ठीक है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का मिल रहा था, लेकिन अगर इसे फुल HD+ वाला डिस्प्ले दे देता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो कुछ इस तरह का दो फोन लॉन्च हुआ था पिछले मंथ रियलमी की तरफ से, रियलमी का लेटेस्ट सीरीज नार्जो सीरीज के अंदर। तो लगे है, तो शाओमी ने भी पिछले मंथ एक नया फोन लॉन्च किया था, जो था शाओमी का Mi 10 5G। बहुत ही कमाल का फोन था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, सबसे पहले आपको बताया जाता हूँ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज का प्राइस था 50,000 रुपये। जी हाँ, 50,000 रुपये में अगर आप शाओमी का फोन लोगे तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। इससे अच्छा आप वन प्लस के फोन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन फिर भी बात करते हैं मीटर में वो क्या देखने को मिल रहा था। तो 6.67 इंचेस का फुल HD+ वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो एक कर्व डिस्प्ले था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब क्वालिटी बहुत ही कमाल का था फोन का, देखने में बहुत ही कमाल का लगता था। बैक साइड में वो क्वाड कैमरा का सेटअप था, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108MP का था, जो सैमसंग के लेटेस्ट सेंसर के साथ में था 108MP का, जो बहुत ही अच्छी बात थी। इस फोन में आपको देखने को मिल जाता था स्नैपड्रैगन का 865 5G वाला प्रोसेसर, जो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और 5G के साथ में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 4780mAh का बैटरी था, जो फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करता था। तो कुछ इस तरह का Mi 10 5G इंडिया में लॉन्च हुआ था 50,000 के प्राइसिंग में, बेस वेरिएंट जो कुछ इस तरह का निकल के आ गया था। साथ में पिछले मंथ ऑनर ने भी बहुत सारा कमाल का फोन लॉन्च किया, जिसमें से मैं पिक करना चाहूँगा ऑनर का 9X Pro को सिर्फ, क्योंकि ये फोन बहुत ही कमाल का था। बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग। सबसे पहले ये फोन 15,000 में लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। बात करते हैं 6.59 इंचेस का फुल HD+ वाला IPS डिस्प्ले देने मिलता था, जो बहुत ही अच्छी बात है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का निकल के आ गया था। इसमें आपको देखने मिलता था किरिन का 810 वाला प्रोसेसर, जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अच्छी बात थी इसके लिए। 6GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में आता था। 15,000 में बहुत ही कमाल का फोन लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी इसका प्राइसिंग 18,000 हो गया, क्योंकि प्रमोशनल ऑफर में इसे 3,000 कम करके ऑनर बेच रहा था। तो कुछ इस तरह का ऑनर का 9X Pro भी लॉन्च हुआ था, जो बहुत ही कमाल का था। सेल्फी कैमरा आपको पॉपअप के रूप में देखने मिलता था, जो बहुत ही अच्छा निकल के आ गया था। लगे है, तो इन्फिनिक्स ने टोटल दो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया पिछले मंथ, जो था इन्फिनिक्स का हॉट 9 सीरीज। जी हाँ, हॉट 9 एंड हॉट 9 प्रो टोटल दो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। दोनों में स्पेसिफिकेशन सेम था, बस चेंजेस था कैमरा के ऊपर। इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको 13MP का क्वाड कैमरा सेटअप था और इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो में आपको 48MP का क्वाड कैमरा का सेटअप था। दोनों में आपको 5000mAh का मैसिव बैटरी था। 6.6 इंचेस का HD+ वाला पंच होल डिस्प्ले देखने मिलता था। तो जिस तरह का दोनों फोन लॉन्च हुआ था, दोनों फोन में आपको MediaTek का P22 वाला पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता था, जो आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिला सकता है। दोनों फोन की प्राइसिंग की अगर बात करें, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 आपको 8,500 में इंडिया में लॉन्च हुआ था और इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो आपको 9,500 में लॉन्च हुआ था। तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने इस प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा फोन लॉन्च किया। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो इन्फिनिक्स के हॉट 9 को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए नहीं, बस एंटरटेनमेंट के लिए फोन को लेना, मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप या नॉर्मल बस गेमिंग करना हो,
पबजी इसमें अच्छा नहीं चलेगा, मैं फिर से बता देता हूँ। साथ में पिछले मंथ में मोटरोला ने भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो था मोटरोला का एज प्लस। 12 GB की रैम, 865 वाला प्रोसेसर, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले, मतलब टोटली कर्व डिस्प्ले था, 90 डिग्री का कर्व डिस्प्ले के साथ में आपको ये फोन देखने मिलता था। पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता था, जो बहुत ही कमाल की बात थी। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा के साथ में प्राइमरी कैमरा 108 MP का निकल के आ गया था, बहुत ही कमाल की बात थी। लेकिन ये फ़ोन थोड़ा एक्सपेंसिव था, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। 75,000 पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, जी हाँ 75,000 पे इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। लेकिन जो पैकेज आपको मिल रहा था ना, वो ओवरऑल बहुत ही कमाल का पैकेज था। तो अगर आप अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपको ये प्राइसिंग में कोई नया फ़ोन लेना है, तो आप मोटोरोला के एज प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फ़ोन था, लेकिन थोड़ा ओवर प्राइस था। तो पिछले मंथ में वीवो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जो था वीवो का V19। ये भी फ़ोन बहुत ही अच्छा था, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रोसेसर पुराना था, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इसमें भी आपको मिल जाता है। 6.44 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले था, जो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में था। ड्यूबल पंच होल कैमरा था डिस्प्ले में, जो बहुत ही कमाल की बात थी। इस फोन में भी आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा, प्राइमरी कैमरा 48 MP के था, साथ में 8 GB रैम एंड 128 GB की स्टोरेज। ये फोन की प्राइसिंग की बात करें, 27,000 में आपको ये बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ था, जो थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो कुछ इस तरह के 6 स्मार्टफोन मेरे हिसाब से लॉन्च हुए थे पिछले मंथ में, जो बहुत ही कमाल का और धूम मचा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इन 6 में से कौन सा फोन आपको बेस्ट लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही कमाल के रिवाइंड वीडियो आपको हर मंथ के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा पिछले मंथ का कमाल का नया फोन जो लॉन्च हुआ था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे कमाल की वीडियोस रोजाना देखना चाहते हो, उनको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलकर चल करते हैं अपने ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाई फाई।